इंडियन बायोग्राफी में बना दिया है सबसे दुनिया का मोस्ट पुलिस कार, और यही नहीं साथ में दुनिया का मोस्ट पॉपुलर ट्रेन भी बना चुका है जो कि पुलिस है, और ये खतरनाक है। 100-150 की प्रति घंटा स्पीड चलता है भाई साहब। आप लोगों को पता ही होगा भाई, हम पुलिस स्टेशन के साथ में पुलिस वाले को कुछ काम करते हैं एंड हेल्प करते हैं चोर को पकड़ने के लिए, तो इसलिए भाई हमें पर खुश हो गए, हमें पुलिस वाले दिया एक गिफ्ट जो कि पुलिस कार है, क्योंकि हमारे शहर में ज़्यादा चोरियाँ पकड़ होने लगे, तो इस वजह से भाई ये कहा कि तुम्हारे सुरक्षा की वजह से ये तुमको गिफ्ट करने वाले हैं। आज भाई हम पुलिस स्टेशन बड़े ही सवेरे जाएंगे और पुलिस वाले को रिएक्शन देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि पहले इतना सवेरे जाते नहीं थे। लेकिन भाई तुम्हारा ही तो इंतजार था, आज तो भाई तुम बहुत ज्यादा सवेरे आ गई हो, तो सारी पुलिस वाले तुम इसको बधाई दो। हाँ ऐसा क्या काम कर दिए जो भाई आज तो खाली सवेरे ही आए हैं, बड़का पाल ठोड़ जाए। नहीं तुम आज तो पार ही ढाए हो भाई, आज तुम सवेरे आ गए। अरे तुम मेरा बेइज्जती कर रहे हो कि तारीफ कर लो, अब तुम ही डिसाइड करो भाई हम क्या करें। छोड़ो वो सब बात, जो अपने पकड़ा था भाई डगन बोस को, वो डगन बोस कल ही रात को चोर ताला तोड़ के भाई भाग गया अपने जेल से, और भाई हम ये सुन रहे हैं कि भाई आज 9 बजे उसका ट्रेन है और यहाँ से दूसरे शहर शिफ्ट होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि भाई आज उसे पकड़ किसी हालत से आज ही पकड़ाएगा, नहीं तो कभी भी नहीं पकड़ाएगा। फ्रैंकिन तुम कुछ करो, नहीं तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी यार, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक किसने पर था, उसको हम कैसे पकड़े वो तुम ही दोनों जानते हो। कुछ बात नहीं चलते गाइस, सभी डगन बोस को पकड़ने भाई, उसको तो धड़ दमोच लेंगे भाई, वो तो सुना है कि रेलवे स्टेशन पास से ट्रेन पकड़ रहा है, तो 9 बजे उसका ट्रेन है भाई, चलते भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सारे पुलिस वाले को तो इन्फॉर्म कर दिए कि तुम वहाँ पहुँचो, हम तुरंत पहुँचते भाई, चल दो भाई, हट हट भाई सामने से। अरे यार भाई ये कौन सी कार भाई, पुलिस का हॉर्न समझ में नहीं आता, पुलिस का कार भी देखे समझ में लगता है नहीं भाई कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। अरे तो रुक जा, अरे तेरी तो रुक, भाई मान नहीं रहा था भाई कितना बेवकूफ लड़का है भाई, बोलते हुए रुकने के लिए तो रुक ही रहा, खाली अपने पैर में गोली, चलो भाई इसको तो गोली पैर में मार दिया, लेकिन यार इसका एक्सरा भी कराना पड़ेगा, मतलब इलाज तो कोई बात नहीं लेने के देनी पड़ेगी, तो भाई चलते भाई इसका इलाज करके जेल में फिर से छोड़ देंगे और फिर से इसका कुटाई स्टार्ट, तो कोई बात नहीं भी चलते भाई बिना टाइम वेस्ट करते भाई, आज तो तुम भाई डंगर बुस गया मेरे यहाँ से, तो चल चल भाई तू तो पुलिस स्टेशन पर न चल, तो वहीं पर तारीफ और शाबाशी देगा तुम जेल से भागने के लिए, तुम बड़ा काम किया है। तो गाइस ऑल राइट गाइस, हमने एक न्यू मर्सिडीज जी वैगन, तो हम पुलिस मर्सिडीज जी वैगन लेके चलते हैं भाई एक, क्योंकि अपने शहर में एक और ही किडनैपर है, वो अपना एक फरारी चुरा के शोरूम से निकल गया, वो कि बहुत ज़्यादा फरारी स्पीडिंग है, वो कि पीला कलर का है भाई, समझ रहे हो फरारी कितना ज़्यादा महंगा है, वो चुरा के भाग चुका है, तो भाई हमको इन्फॉर्म किया है भाई वो फरारी काफ़ी ज़्यादा स्पीडिंग भागता है, तुम्हें एक स्पोर्ट कार लाना चाहिए, लेकिन हम बोले कोई बात नहीं। अरे ये रहा भाई यार रुक भाई, अपने भी जी वैगन है ये, इसको इंजन चेंज करके भाई स्पीडिंग इंजन लगाए हैं, क्या तुम हमसे बच आएगा। अरे रुक जा, तेरी बात नहीं मानने साला ठोक दूंगा भाई, ये तो रुकने का नाम ही नहीं रहा भाई। अरे यार लगता है ओवरटेक करना ही पड़ेगा, लास्ट उपाय है क्या, चलो भाई इसको ओवरटेक करके। अरे रुक तेरी तो रुक भाई, बात नहीं मान रहा, चलो बम्फर मारते हैं, चलो भाई ओवरराइड गाइस इसको तो रोक दिए, तेरी तो बोल रहा भाई रुकने का नाम मिलता, चल तो भाई पुलिस स्टेशन, तुम्हें तो वहीं खाती गाड़ी बढ़िया होगा भाई, आज तो तेरी लड़ाई होने तय है भाई साहब। ये क्या हो गया, अरे फ्रैंकिन भाई तू बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत बढ़िया, आज तुम भाई दो चोर 2 घंटा में पकड़ लिया, हम 2 साल भी नहीं पकड़ पाए और तुम 2 घंटा। अरे भाई लेकिन तुम मेरे बात एक ध्यान से सुनो, क्योंकि अपने शहर में और अपने पुलिस वाले स्टेशन में कोई भी स्पोर्ट कार नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम एक स्पोर्ट कार पुलिस वाले बनाओ, पुलिस स्पोर्ट कार, क्योंकि हम पुलिस और चोरों को इजीली पकड़ लेंगे, क्योंकि चोर तो भाई बड़ा सुपर कार लेके भागता है, और कहाँ हमारे खटारा एक पुलिस कार तो उसको पकड़ नहीं पाता है, तो हम सोचते हैं कि तुम प्रतिदिन एक बढ़िया से स्पोर्ट पुलिस कार बना के लाओ और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम मदद करो। हाँ क्यों नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, तो क्या चलते भाई, पुलिस वाले तो बिल्कुल भी सही बोला, क्योंकि अपने पुलिस में तो कोई भी स्पोर्ट कार पुलिस नहीं है, पुलिस स्पोर्ट कार, क्योंकि चोरों को पकड़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हमने क्यों, जो अपना डिफेंडर था
वो पुलिस डिफेंडर में क्यों ना मॉडिफाई करके कन्वर्ट किया जाए। तो भाई ये तो घर में रहता ही, हम तो पुलिस स्टेशन चले जाते, ये घर में ऐसा ही पड़ा रहता है, तो इसको क्यों ना यूज़ करने के लिए हम पुलिस वाले को ही देते। तो चलो भाई तुम, चलो भाई डिफेंडर तुम चल दो भाई अपना पुलिस स्टेशन, नहीं तुम आज चलना है भाई शोरूम, क्योंकि आज तुम्हें पुलिस वालों तुमको बनाएंगे, मतलब पुलिस कार। तो चलो भाई वहीं चलते भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए, इसको लेके चलते भाई वहीं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलो चलो चलते भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज तो भाई इसको मक्खन के जैसे मॉडिफाई करके और मैं इसको पुलिस कार बना के ही लाऊंगा। तो इसके लिए भाई हमको सारे स्पोर्ट और सुपर कार का जरूरत पड़ेगा, जो कि भाई हमने कहूँ से टेक अप करके ला ही देंगे। तो लास्ट उपाय है क्या भाई, किसी से चुराना? लास्ट उपाय तो वही है, तो अपना डिफेंडर, तो इसको पहले मॉडिफाई करने के लिए देते हैं और भाई इसको बोलेंगे बढ़िया से मॉडिफाई करके दो, तभी हम इसको लेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे 10 साल के लिए। कोई बात नहीं, चलते भाई। और भाई हम तो डिफेंडर तो दे दिए, एक कंस्ट्रक्शन एरिया में एक निशान GTR पड़ी रहती है, वो कि मालिक का है बूस का, तो वो आता है जाता है और उसका कोई काम नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि चलो भाई इसका निशान GTR ही क्यों ना झाड़ लिया जाए, मतलब चुरा लिया जाए। तो चलो भाई इसके अंदर, अरे 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 अरे, अरे गया भाई गया, अरे यार कपार फोड़ दे यार भाई, देखो खून कितना बहा दिया, कोई बात नहीं। अरे अरे यार पूरा ब्लड गिरा दिया यार, बड़ी ये रहा भाई ये रहा अपना निशान GTR, कोई तो देख नहीं रहा कंट्रैक्शन भाई, कंट्रैक्शन वाला। अरे चलो चलो चोरो चलो भाई चोरी से चलो इसको चुरा लेते हैं, कोई तो वर्कर देख नहीं रहा भाई, जहाँ महंगा पड़ जाएगा। कोई बात नहीं इसको लेके चल चल भाई निकल निकल भाई, कोई तो देखा नहीं, आवाज़ हो रहा है भाई से आगे बहुत जा रहा है। कोई बात नहीं चलते भाई डायरेक्ट शोरूम में ही घुसाते हैं, हाँ तो चलो भाई इसको शोरूम में ही क्यों ना घुसा दे। अरे अरे लग जा चल 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 भाई चल, चलो गाइस ये काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्यों सोचा कि भाई पुलिस तो निशान GTR हो गया सुपर और स्पोर्ट कार, तो हम एक चीज़ सोच रहे हैं क्यों ना हम बस क्यों ना ले ले, लेकिन बस लाए तो लाए कहाँ से? ओ भाई बस स्टैंड पे तो आए, लेकिन कोई तो बस वाला आ नहीं रहा है। अरे या ओड़ा ओड़ा गाइस और राइट गाइस आ रहा है भाई, रोक 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 तेरी बस की जान मारो, रोक रोक रोक, नया ड्राइवर है क्या साला, हाँ सुना नहीं पड़ता है। अच्छा बेटा लाइसेंस है? और लाइसेंस है तो कागज दिखा बस का। लाइसेंस तो है लेकिन कागज नहीं है। हाँ कागज नहीं है तो आज गया बेटा, लेकिन चल चल बस तो बस को पुलिस के हवाले करो, तुम्हारे अब लाइसेंस नहीं है, नहीं लाइसेंस है नहीं कागज नहीं है तो बस क्यों चला रहा है? चलो चलो पुलिस के हवाले दो। नहीं मेरे पास लाइसेंस है। बकवास करेगा तो चलो भाई, देखा भाई मेरा दिमाग भाई कैसा लगा, पास एक फ्री में बस भी आ चुका भाई एकदम ब्रांड न्यू भाई, उसका ही गलती था भाई, क्योंकि उसका पास लाइसेंस था लेकिन कागज नहीं था भाई, वो गलत बात नहीं है। तो भाई चले भाई इसका बस का गिरफ्तार करके, और क्यों ना भाई इसको पुलिस में ही काम करा जाए, मतलब पुलिस के लिए ही कुछ मदद किया जाए बस के लिए, बस ऐसे धरी धरी जंक लग जाए, क्योंकि वो छुड़ाने वाला है नहीं, वो नया ही किन लगा भाई हमें। अरे यार ये बुगाटी वाला थोड़ा ज़्यादा ही नहीं दिखा रहा है क्या, इसका बुगाटी के झाड़ ले, हाँ साइड कर तुम्हारा भी अभी कार जाता भाई जहाँ मन हो साथ था। कोई बात नहीं इसको भी भाई पुलिस बस बनाने के लिए अपना शोरूम ला दिए, और चलते भाई चिंटू से बात करते हैं, क्या चिंटू ये सब काम तुम कर लेगा 2 घंटा के अंदर? चलो वैसे बात करते हैं, क्या सुन चिंटू बात ध्यान दे, हम 2 घंटा के अंदर आएंगे, हमारे सारे कार और सारे बस हमें पुलिस मॉडिफाई के अंदर हो जाना चाहिए, और हो के तुम तुरंत अपने मेरे पुलिस स्टेशन में पहुंचा देना, ठीक है? नहीं तो लात पड़ेगी और काफ़ी देर भात भी पड़ेगी। हाँ हाँ फ्रेंकिन तुम्हारे बस और तुम्हारे पुलिस कार तुम्हें बना के इजीली पहुंचा देंगे 2 घंटा के अंदर ही, नहीं 1 घंटा के अंदर ही पहुंचा देंगे, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है तुम जल्दी लाओ, ठीक है मत करो भाई हमारा। अरे यार हमारा तो बस हो गया, कार हो गया भाई, सुपर कार हो गया, लेकिन बाइक का जरूरत, जो कि ये पुलिस बाइक का हमें ज़रूरत पड़ेगा, और हमें ऐसी मॉडिफाइड बाइक का ज़रूरत पड़ेगा। अरे भाई हम कहाँ से बुलेट बाइक लाए, किसका जा रहे? अरे ये रैंप पर क्या दिखा रहा काला काला? अरे ओ भाई ये, अरे ये तो पुलिस बुलेट है, ये बुलेट बाइक हो है वो कि ब्लैक कलर का, बस इसमें CC लग गया और इंजन और कुछ नहीं, और स्टिकर पुलिस का हॉर्न, क्यों ना भाई इसका। अरे ये ड्यूक किसका है? चलो इसको ड्यूक झाड़ लेते हैं, ड्यूक वहाँ पहुँचा देंगे बुलेट के जगह पर, बुलेट लेके चल जाएंगे अपना शोरूम उसको मॉडिफाई कराने। चलो भाई ये अपना बुलेट, चलो भाई इसको बुलेट लेके चलते भाई इसको शोरूम, भाई कोई तो देख तो नहीं रहा है? अरे देखेगा तो क्या करेगा, पुलिस वाले हैं मार के फाड़ देंगे, बोले भाई कोई काम से जा रहे हैं किडनैपर पकड़ने, क्या हम बुलेट भी नहीं ले सकते? कुछ भी नहीं बोलेगा,
चलो भाई चलते भाई, बिना टाइम वेस्ट करते चलो ठीक है यहाँ चलते भाई अपना शोरूम, और इस चिंटू को बोल देंगे भाई बुलेट भी तुम मॉडिफाई करना मस्त, तो हम आते हैं भाई 2 घंटा के बाद भाई, ये तो कर देगा। तो तब के लिए हम बुलेट भाई रख देते हैं साइड में, वो मॉडिफाई करके ये काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अरे वो बोला 2 घंटा 1.5 घंटा के अंदर देंगे, नहीं देगा तो भाई घर घुस के मारेंगे गन में गोदी, ठीक है। तो चलते हैं भाई, क्या बोलता है। 2000 years later राइट गाइस, हमने दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर पुलिस कार बना दिया, और यही नहीं साथ में निसान GTR को पुलिस कार कन्वर्ट कर दिया, और डिफेंडर को पुलिस डिफेंडर में कन्वर्ट कर दिया, और पुलिस बाइक भी और पुलिस बस भी, जो आप लोग भी देख तो भाई कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। इसमें तो भाई 150-200 इजिली कमांडोस इजिली बढ़ जाएंगे, और चोर को भाई पकड़ना और भी इजिली हो जाएगा, तो आप लोग समझ ही सकते हो भाई कितना खतरनाक। और यही नहीं हमारे वाले डिफेंडर, और भाई ये तो भाई तुम देख ही लियो, हम बना दिए हैं बुलेट को एकदम पुलिस बुलेट, जो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। पुलिस बाइक कैसा लगा, और ये रहा अपना भाई निसान GTR, और ये रहा अपना मर्सिडीज पुलिस जी वैगन पुलिस, जो कि ब्लैक कलर में कन्वर्ट कराया है, ये तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। और ये रहा अपना डिफेंडर, जो अपने डिफेंडर को बना दिए हैं पुलिस डिफेंडर में, ये वाइट था और उसको ब्लैक किए हैं, और भी काफ़ी खतरनाक लग रहा है भाई, लुक तो एकदम से चेंज ही हो गया। और भाई इसका भाई पुलिस भाई हॉर्न भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और रही नहीं हम स्पोर्ट कार मतलब निसान GTR को, सारे कार तो ब्लैक है, हमने क्यों सोचा कि चलो भाई इसको अभी वाइट कर देते हैं, क्योंकि सारे तो ब्लैक है, और इसमें हॉर्न लगा दिए और स्टिकर चिपका दिए भाई, का लुक भाई एकदम से डेवलप हो गया, और वाइट कलर तो एक नंबर लग रहा है। तो आपको कैसा लगा, और यही नहीं और साथ में हम जेट भी बना दिए पुलिस जेट, क्योंकि कोई भी हवा से और कोई भी एलोप्लेन से चोर भागने का कोशिश करे तो अब नहीं भाग सकता है, क्योंकि हम हवा वाला भी मतलब जेट भी हमें को जेट पुलिस जेट भी बना चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है गाइस, आपको लग रहा है कि नहीं। और साथ में हम निसान GTR तो एक नंबर लग रहा है भाई, इसके बारे में कुछ करना नहीं। और यही नहीं हमने दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर पुलिस ट्रेन भी बना दिए, इसमें काफ़ी सारे हथियार पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन में पहुँचाएगा, और ये काफ़ी हमें प्यारा लग रहा है गाइस देखने में। आपको लग रहा है कि नहीं कमेंट करें भाई साहब, ये हमारे मेहनत का सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो होने वाला है। तो होप ये वीडियो पसंद आए, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि ऐसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तो बाय बाय।